Sagar Inter College Sitapur Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th trained highly qualified and experienced staff transport facility available value based education system contact now for your children's bright future Sita Group of Education has यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा फल में प्राची निगम इंटरमीडिएट परीक्षा फल में शुभम वर्मा ने किया यूपी टॉप यूपी की टॉप टेन लिस्ट में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के 19 और यूपी की टॉप 20 में सैतालीस मेधावियों ने जगह बनाकर रच दिया इतिहास गत वर्ष हाई स्कूल में प्रियांशी सोनी ने किया था यूपी टॉप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन महमूदाबाद की यूपी बोर्ड की शाखा और सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम ब्रांच में आज ही कराएं प्रवेश नमस्कार मैं हूं निशांत गुप्ता दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे थम गया शोर अब चलो बूथों की ओर 20 मई को होगा मोहनलालगंज लोकसभा सीट का मतदान मोहनलालगंज सीट पर 60 साल बाद दोहराएगा इतिहास या जारी रहेगा मौजूदा चलन फिर बात करेंगे तीन सौ नवासी पार्टियों को मिली सिधौली में वोटिंग की जिम्मेदारी उनतालीस पार्टी रिजर्व खबरनामा के अंत में बात करेंगे वोटरों को बांटने के लिए रखी साड़ियाँ और गमछे बरामद प्रधान प्रतिनिधि गिरफ्तार लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर बीस मई को सीतापुर में सार्वजनिक अवकाश घोषित जिला अदालत में रहेगा अवकाश लेफ्टिनेंट खान सादाब जमीर को कैप्टन रैंक का मिला सम्मान सपा के प्रदेश अध्यक्ष ने सीतापुर के सपा नेता को पत्र लिखकर दी बड़ी जिम्मेदारी पुलिस बल को रवाना करते हुए प्रेक्षक और डीएमएसपी ने पढ़ाया कर्तव्यों का पाठ लखीमपुर के गोला फरदान राष्ट्रीय राजमार्ग पर सात दिन बंद रहेगा यातायात लखीमपुर में दिव्यांग ने सिस्टम को दिखा दिया आईना डीआईओएस दि पर एस सी का केस दर्ज स्कूल की सराहनी पहल उंगली पर लगी स्याही दिखाओ नंबर पाओ खबरें सीतापुर जनपद से अब बस करीब 35 घंटे का समय शेष रह गया है 20 मई की सुबह सात बजते ही मोहनलालगंज लोकसभा सीट के प्रत्याशियों का जनता की अदालत में ट्रायल शुरू हो जाएगा शाम तक मतदान होने के बाद जनता का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा पांच विधानसभाओं वाली मोहनलालगंज सीट की चार विधानसभाएं बक्सी का तालाब सरोजनी नगर मलियाबाद और मोहनलालगंज लखनऊ जिले में आती है जबकि सीतापुर की अकेली सिधौली विधानसभा इस सीट में शामिल है सीतापुर की एक विधानसभा होने के चलते सिधौली विधानसभा की मतगणना सीतापुर में होती है जबकि चारों में पड़े मतों की गिनती लखनऊ में की जाती है सीतापुर से इस सीट पर किसे कितने मत मिले इसकी सूचना लखनऊ के जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजी जाती है जिसके बाद वहां की चारों विधानसभाओं सहित सभी पांच विधानसभा के नतीजों को सामने रखकर चुनाव परिणाम की घोषणा की जाती है आइए अब बताते हैं पांचवे चरण की इस मोहनलालगंज सीट पर कौन कौन प्रत्याशी मैदान में है मौजूदा सांसद तथा केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर दो बार चुनाव जीतने के बाद लगातार तीसरी बार भाजपा से प्रत्याशी हैं। सपा बसपा कांग्रेस में बदलाव हुआ है 2019 में सपा बसपा का गठबंधन था तब सीएल वर्मा गठबंधन से चुनाव लड़े थे वहीं आर के चौधरी कांग्रेस प्रत्याशी थे इस बार सपा और कांग्रेस का गठबंधन है तो आर के चौधरी इस गठबंधन में सपा के प्रत्याशी बने हैं और सी वर्मा उनके साथ हैं बसपा ने राजेश कुमार उर्फ मनोज प्रधान को सियासी समर में उतार मुकाबले को त्रिकोणी बनाने का प्रयास किया है इसके अलावा अन्य विभिन्न दलों तथा तो निर्दलीय प्रत्याशियों के रूप में आठ अन्य भी मैदान में हैं मोहनलालगंज सीट की कुल मतदाता संख्या इक्कीस लाख अस्सी हजार नौ सौ अट्ठावन है इनमें ग्यारह लाख सत्तावन हजार छः सौ अट्ठासी पुरुष तथा दस लाख तेईस हज़ार एक सौ महिला मतदाता है थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या इकहत्तर है इस सीट पर फर्स्ट टाइम वोटर की संख्या उनतीस हजार नौ सौ है तो पचासी वर्ष से उम्र के शतक के करीब पहुंच रहे मतदाताओं की संख्या सत्रह हजार उनचास है सोलह हजार तीन सौ बावन मतदाता दिव्यांग है अगर विधानसभा वार बात करें तो मलियाबाद में तीन लाख उनहत्तर हज़ार पाँच सौ तेईस और बक्सी का तालाब में चार लाख नब्बे हज़ार अट्ठावन मतदाता है इसी तरह से सरोजनी नगर में पाँच लाख निन्यानबे हज़ार नौ सौ इकहत्तर और मोहनलालगंज में तीन लाख पैंसठ हज़ार आठ सौ चौहत्तर तथा सिधौली में तीन लाख पचपन हज़ार पाँच सौ बत्तीस मतदाता हैं पूरे लोकसभा क्षेत्र में एक हज़ार तीन सौ पचपन मतदान केंद्रों के दो हज़ार दो सौ बासठ बूथों पर बीस मई की सुबह से मतदान कराया जाएगा सुरक्षा और व्यवस्था की दृष्टि से समूचे लोकसभा क्षेत्र को छब्बीस जोन और 150 सेक्टर में विभाजित कर अधिकारियों को तैनात भी किया गया है इस लोकसभा सीट में शामिल सीतापुर की विधानसभा सिधौली के आंकड़ों को देखें तो यहां पर कुल तीन लाख पचपन हजार सौ बत्तीस मतदाताओं में से एक लाख नवासी हजार चार सौ अट्ठासी पुरुष और एक लाख हजार उनतालीस महिला मतदाता हैं। पांच मतदाता थर्ड जेंडर के हैं फर्स्ट टाइम वोटर की संख्या चार हजार छह सौ इकतीस है जबकि पचासी साल से आयु के शतक की ओर बढ़ रहे बुजुर्ग मतदाताओं की संख्या चार हजार सात सौ इक्कीस है यहाँ पर एक हजार सात सौ अड़सठ दिव्यांग मतदाता सिधौली का मतदान कराने के लिए कुल चार सौ अट्ठाईस पोलिंग पार्टी गठित की गई है इनमें एक हजार सात सौ बारह मतदान कार्मिक तैनात है तीन सौ नवासी पार्टियों को कुल इकतीस के से सेक्टर में विभाजित किया गया है आयोग के निर्देशानुसार दस बूथों को वीडियोग्राफ्री और एक बूथों की वेबकास्टिंग कराई जाएगी मतदान को लेकर विभिन्न शिकायतों और समस्याओं के निस्तारण के लिए सीतापुर कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम बनाया गया है। जिसका नंबर शून्य पाँच आठ छः दो, दो नौ सात दो दो नौ और शून्य पाँच आठ छः दो, दो नौ सात दो तीन शून्य है प्रदेश की राजधानी लखनऊ और उन्नाव तथा सीतापुर के बीच में पड़ने वाली मोहनलालगंज लोकसभा सीट प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में गिनी जाती है मौजूदा वक्त इस सीट की पांचों विधानसभाओं में भगवा लहरा है और दो बार से चुनाव जीत रहे कौशल किशोर केंद्रीय मंत्री हैं साथ ही तीसरी बार जनता की अदालत में खड़े हैं जाहिर है मौजूदा सांसद हैट्रिक लगाने की ख्वाहिश रखते हैं लेकिन यहाँ का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ और कहता है साठ साल पहले कांग्रेस की गंगा देवी ने हैट्रिक लगाई थी तब से लेकर आज तक कोई प्रत्याशी किसी भी लहर में हैट्रिक नहीं लगा सका है सपा ने जरूर चार बार जीत दर्ज की दो बार रीना चौधरी एक बार जयप्रकाश रावत और एक बार सुशीला सरोज ने सपा का झंडा फहराया है चार जून को सबकी नज़र रहेगी कि इस सीट का साठ साल पुराना इतिहास दोहराता दोहराता है या फिर जो मौजूदा ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है वही चलता रहता है बीस मई को मतदान के दौरान सिधौली विधानसभा क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह ने बताया कि चार कंपनी अर्धसैनिक बल तीन कंपनी पीएससी, एस सी चार सी और 2000 मुख्य आरक्षी तथा आरक्षी तैनात किए गए हैं सीतापुर की सिधौली विधानसभा सीट में 20 मई को होने वाले मतदान में सभी की भागीदारी की सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है चुनाव आयोग से प्राप्त निर्देश के क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी अनु सिंह ने संबंधित आदेश जारी कर दिया है 20 मई को सरकारी गैर सरकारी कार्यालय सहित प्रतिष्ठान तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान और स्कूल कॉलेज सहित कोषागार और उप को बंद है इलाहाबाद हाई कोर्ट से जारी आदेश के क्रम में 20 मई को सीतापुर जनपद न्यायालय में सार्वजनिक अवकाश रहेगा इसे लेकर जनपद न्यायाधीश मनोज कुमार तृर्थी ने आदेश जारी कर दिया है 20 मई को जिले के सभी दीवानी और फौजदारी सहित बिस्वा और महमूदाबाद के वाहन न्यायालय और सिधौली तथा लहरपुर के ग्राम न्यायालय में भी अवकाश रहेगा सीतापुर के मोहल्ला शेख सराय निवासी मोहम्मद अफजल ने साइकिल चोरी का मामला दर्ज कराया है अफजल के मुताबिक वह और उनका साथी अनुराग दोनों सुबह सरोजनी वाटका में योगा करने गए थे कुछ समय बाद लौटे तो दोनों की साइकिल एक गाय इसे से ले लेकर कोतवाली नगर में तहरीर दी गई है पांचवें चरण की मोहनलालगंज की सीट का चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले सभी प्रत्याशियों ने पूरा दम लगा दिया है इसी कड़ी में भाजपा प्रत्याशी कौशल किशोर के समर्थन में रोड शो निकाला गया सिधौली में निकाले गए इस रोड शो का नेतृत्व भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला और सिधौली विधायक मनीष रावत ने किया इस रोड शो पर कई स्थानों से पुष्प वर्षा भी की गई इस मौके पर सिधौली चेयरमैन गंगाराम राजपूत करुणा संघ त्रिपाठी रोहित सिंह रवि तिवारी कमलापुर आशुतोष मिश्र राकेश पांडे नवनीत वाजपेयी संतोष विश्वकर्मा दिग्विजय शुक्ला मुन्न बच्चे प्रसाद वाजपेयी अरविंद तिवारी आदर्श पांडे पंकज यादव जया सिंह विश्राम सागर राठौर और विपुल वाजपेयी आदि लोग मौजूद रहे कसमंडा के पार्वती विद्या मंदिर जूनियर हाई स्कूल में रामचरित मानस पर आधारित प्रतियोगिता का आयोजन किया गया ब्रजेंद्र कुमार सक्सेना सेवा संस्थान द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता के संयोजक रश्मेंद्र सक्सेना ने कार्यक्रम को संबोधित किया उन्होंने कहा कि यह प्रतियोगिता इसलिए आयोजित की गई ताकि विद्यार्थियों को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन से जुड़ी जानकारी मिले शैक्षिक सत्र दो हजार में कक्षा छः सात व आठ में प्रथम द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र एवं नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया संस्थान की ओर से बच्चों के लिए खेल सामग्री भी उपलब्ध कराई गई कार्यक्रम का संचालन सत्यप्रकाश सिंह ने किया इस अवसर पर प्रांजल सक्सेना अलिनी सक्सेना प्रधानाध्यापक अमरेंद्र प्रताप सिंह वरिष्ठ शिक्षक विनय पाल सिंह रवि प्रकाश सिंह गिरिराज यादव अंकित सिंह और नंदराम आदि लोग मौजूद रहे भाजपा के कमलापुर मंडल अध्यक्ष आशतोष मिश्रा ने गोपालपुर पूर्वी शक्ति केंद्र के सभी के बूथ अध्यक्षों से संपर्क किया इस दौरान 20 मई को होने वाले मतदान और उसमें पन्ना प्रमुखों की जिम्मेदारी पर चर्चा की गई इस मौके पर शक्ति केंद्र अध्यक्ष रामनरेश रावत बूथ अध्यक्ष अनिल कुमार साहू बनवारी लाल समरेंद्र सिंह मोतीलाल कुलदीप मिश्रा बबलू रावत पप्पू कनौजिया और नितेश वाजपेयी उपस्थित रहे बिस्वा के टिकरा स्थित नंदकिशोर कैलाश चंद्र महाविद्यालय के सिधौली कार्यालय का, का उद्घाटन किया गया तहसील रोड के गांधीनगर स्थित इस कार्यालय का, का उद्घाटन दिल्ली के स्कॉलर डॉक्टर राजवीर ने किया कार्यक्रम का संचालन चंद्रशेखर प्रजापति ने किया इस दौरान शिक्षक साहित्यकार देवेंद्र कश्यप निडर महाविद्यालय संरक्षक डॉक्टर सुधाकर वर्मा पिंकी अरविंद प्रजापति निदेशक संतोष वर्मा विमल राजपूत मोहम्मद सलमान डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह सत्यप्रकाश शशिकांत गुप्ता सुधीर वर्मा और अजय कुमार आदि लोग मौजूद रहे मिस्र क्षेत्र के सतनापुर में कलश यात्रा के साथ श्री हरि हरात्मक रुद्र महायज्ञ व विशाल संत सम्मेलन का आयोजन प्रारंभ किया गया इस कार्यक्रम को 17 मई से 23 मई तक चलेगा आयोजक आलोक स्वरूप ब्रह्मचारी ने बताया कि यह कथा सात दिन तक अनवरत चलती रहेगी कथा के अंतिम दिन भंडारे का आयोजन किया जाएगा कलश यात्रा में महंत संतोष दास खाकी विमल मिश्रा और विनय स्वरूप ब्रह्मचारी सहित सैकड़ों की संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे धारा चार सौ बावन तीन सौ चौवन तथा पॉक्सो एक्ट के मामले की सुनवाई सीतापुर कोर्ट में पूरी होने के बाद दोषी पुत्र भाईलाल निवासी थाना तालगांव को कारावास तथा जुर्माने की सजा सुनाई गई है यह निर्णय कोर्ट संख्या 14 के अपर सत्र न्यायाधीश तथा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट भगीरथ वर्मा ने सुनाया है मुकदमे में अभियोजन की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मोहम्मद इश्याग गोविंद मिश्रा और मोनिका शुक्ला ने की दो की घटना को लेकर सीतापुर के थाना तालगांव में आरोपी के विरुद्ध केस दर्ज किया गया था न्यायालय ने गुण दोष का परीक्षण करते हुए आरोपी भन्नु को दोषी पाया गया और उसे धारा चार सौ बावन अंतर्गत तीन वर्ष की कैद तथा पांच हजार जुर्माना और धारा तीन सौ चौवन के तहत तीन साल की सजा और पांच हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है मोहनलालगंज लोकसभा सीट अंतर्गत सिधौली विधानसभा क्षेत्र में 20 मई को मतदान होना है इस दौरान क्षेत्र में निष्पक्ष मतदान और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शनिवार को सीतापुर से पुलिस बल को रवाना किया गया रवानगी से पहले पुलिस लाइन सभागार में अधिकारियों ने सभी जवानों को उनके दायित्वों और कर्तव्यों का पाठ पढ़ाया प्रेक्षक प्रशांत गावड़े जिलाधिकारी अनुज सिंह और पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र ने सभी जवानों को अपनी ड्यूटी करने और पूरे उत्तर प्रदेश में दायित्व और कर्तव्य निष्ठा से संपन्न करने के निर्देश भी दिए इस मौके पर एडीएम नीतीश कुमार सिंह एएसपी उत्तरी प्रकाश कुमार और एएसपी दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन सहित सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे वक्त और तो चला एक छोटे से ब्रेक का आप देखते रहिए आई इंडिया रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है मगर अब आप इसकी चिंता ना करें क्योंकि आ गया है वंश कोलू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार ये है नेचुरल और हेल्दी भी वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ वंश कोल्हू तेल सही मिलेगा यही सीतापुर के सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पूर्व में आयोजित विभिन्न इंटर हाउस प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया यह प्रतियोगिताएं अप्रैल और मई की शुरुआत में आयोजित की गई थी इस मौके पर सब जूनियर जूनियर और सीनियर वर्ग के विजय प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया साथ ही प्री प्राइमरी वर्ग से कक्षा पाँच तक के विद्यार्थियों को स्टार ऑफ द मंथ के बैच भी प्रदान किए गए इस मौके पर उप चेयरमैन आशीष सिंघानिया और सचिव परिचित त्रिपाठी सहित कई अभिभावकगढ़ भी मौजूद रहे लहरपुर के राइज इंडिया पब्लिक स्कूल में उत्तीर्ण विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया इस मौके पर कक्षा दस में विद्यालय टॉपर सृष्टि वर्मा आयुसी मनार मोहम्मद आतिर शिवा भार्गव प्रांसीपुरी आयशा आयसा अंसारी मोहम्मद जुल्ला और श्रोमणि पांडे को विद्यालय प्रबंधक डॉक्टर हर्षपुरी तथा प्रधानाचार्य कमल शर्मा ने सम्मानित किया इस दौरान शिक्षक मोहम्मद आदिल को भी बेस्ट टीचर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया कार्यक्रम में वरिष्ठ समन्वयक उपेंद्र सिंह तथा सुष्मिता आकांक्षा तृप्ति नीलम वर्मा लइक अहमद और शुभम तिवारी आदि शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे एनसीसी के लखनऊ ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर नीरज पुनेठा कमान अधिकारी कर्नल गौरव सिंघल और यूपी 22 बटालियन एनसीसी के एडम ऑफिसर अनिल कुमार सीतापुर पहुंचे यहां जीआईसी में प्रधानाचार्य अनिल कुमार और डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया इस मौके पर ब्रिगेडियर पुनेठा ने एनसीसी कैडेट्स का मार्गदर्शन किया इस दौरान जीआईसी के कैडेट्स ने अपने लेफ्टिनेंट खान सादाब जमीर के नेतृत्व में की गई गतिविधियों की वीडियो भी दिखाया इसके बाद खान सादाब जमीर को कैप्टन रैंक लगाकर सम्मानित किया गया सीतापुर में सपा छात्र सभा के जिलाध्यक्ष शिवम सिंह को पार्टी संगठन ने बड़ी जिम्मेदारी दी है सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने शिवम सिंह को घोषी लोकसभा क्षेत्र में पार्टी के प्रचार और जनसंपर्क अभियान को धार देने की जिम्मेदारी सौंपी है इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष ने शिवम सिंह को पत्र लिखकर तत्काल घोषी पहुंचने और सपा के लोकसभा प्रत्याशी राजीव राय को विजयश्री दिलाने में सहयोग करने का निर्देश दिया है कसमंडा ब्लॉक की आदर्श ग्राम सभा पतारा कला बस कहने को आदर्श है जबकि हकीकत इससे उलट है यहाँ की नालियाँ गंदगी से पटी हुई हैं जंगली घास और झाड़ियों ने नालियों पर कब्जा कर लिया है नालियों पर पड़े अधिकांश पत्थर टूटकर मानक और भ्रष्टाचार की जंग का गवाह बने दिखाई दे रहे हैं ग्राम सभा में तैनात सफाईकर्मी शायद ही किसी को भी कभी नजर आता हो अब खबरें लखीमपुर जनपद से लखीमपुर में डीएम महेंद्र बहादुर सिंह की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई इस बैठक में वही सवाल जवाब और दिशा निर्देश दिए गए जो ऐसी कई बैठकों में पहले ही दिए जा चुके हैं कायदे से तो पूर्व में जारी हुए निर्देशों की समीक्षा और स्तरीय परीक्षण किया जाना था लेकिन ऐसा न करके एक बार फिर औपचारिकता से कागज का पेट भर दिया गया बैठक का संयोजन संचालन पीडब्ल्यू खंड तीन के अधिशासी अभियंता अनिल यादव ने किया इस दौरान एडीएम संजय कुमार सिंह एएसपी पूर्वी पवन गौतम एआरटीओ आलोक कुमार ईपीडब्ल्यू तरुणेंद्र तरुणेन्द्र त्रिपाठी और एआरएम रोडवेज सहित सड़क सुरक्षा समिति के सभी सदस्य मौजूद रहे अब बात सावधान करने वाली खबर की लखीमपुर के वासिंदों सहित लखीमपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 730 पर आवागमन करने वालों के लिए यह सूचना बेहद जरूरी है गोला फरदान मार्ग पर स्थित रेल क्रॉसिंग पर रेल ओवरब्रिज निर्माण के लिए एक सप्ताह तक वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी 27 मई की रात से एक जून की रात तक इस रूट को पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा इस दौरान वाहन के आवागमन को देखते हुए डायवर्जन प्लान लागू किया गया है लखीमपुर में पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता शुभ नारायण ने रूट डायवर्जन की जानकारी देते हुए बताया कि बहराइच नानपारा की ओर से आकर पीलीभीत बरेली की ओर जाने वाले ट्रक डीसीएम रोडवेज बस व अन्य सभी छोटे बड़े वाहन इसी हाईवे पर स्थित मनिकापुर तिराहे से होते हुए लखीमपुर मोहम्मदी मार्ग से सिकंदराबाद चौराहा और सिकंदराबाद गोला मार्ग की ओर चलकर गोला में इसी हाईवे पर निकलेंगे कहते हैं मन में हौसला हो तो आदमी क्या नहीं कर सकता सिंगाही नगर पंचायत क्षेत्र के एक दिव्यांग ने एक ऐसा ही काम किया है जो न केवल मिसाल है बल्कि नगर पंचायत प्रशासन को आईना दिखाने वाला है दरअसल यहाँ का एक वीडियो वायरल हो रहा है बताया जाता है कि वार्ड संख्या बारह में अरसे से नालियों की सफाई नहीं हुई इससे नालियों का पानी रास्ते पर फैल रहा है जाहिर है आने जाने वालों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है कई बार नगर पंचायत में इसे लेकर गुहार लगाई गई लेकिन जिम्मेदारों ने माना सुना ही नहीं इसके बाद एक दिव्यांग खुद फाड़ा लेकर उतर पड़ा और जाम पड़ी नाली की सफाई कर डाली लखीमपुर के गुरु नानक विद्या सभा कन्या इंटर कॉलेज में सीता नवमी को लेकर विचार गोष्ठी आयोजित की गई इसकी अध्यक्षता प्रधानाचार्य डॉक्टर मीनाक्षी तिवारी ने की और संचालन प्रवक्ता ईश्वर्या श्रीवास्तव ने किया कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता राजेश दीक्षित ने माता सीता के त्याग बलिदान और संघर्ष के बारे में बताया इस दौरान सुब्रा मिश्रा अमित कश्यप शिव शंकर अवस्थी राहुल मिश्रा प्रियांशी श्रीवास्तव और दीप्ति तिवारी आदि मौजूद रही लखीमपुर के सेठ एम आर जयपुरिया स्कूल में समर शिविर आयोजित किया जा रहा है इसमें बच्चे खेल खेल में वेब पेज डिजाइनिंग का अभ्यास कर रहे हैं यह कार्य निमसा और मोहम्मद इमरान के दिशा निर्देशन में किया जा रहा है इसी के साथ बच्चों ने खेल प्रशिक्षक की देखरेख में क्रिकेट फुटबॉल टाइकोंडो बैडमिंटन टेबल टेनिस शतरंज और कैरम का भी अभ्यास किया यह कार्यक्रम विद्यालय प्रबंधक पी के गुप्ता आशीष कुमार गुप्ता की प्रेरणा से प्रधानाचार्य विनोद कुमार ने निर्देशन में किया जा रहा है कमान अधिकारी कर्नल चित्रसेन जे सी ओ विद्यालय प्रबंध समिति सदस्य पीके गुप्ता और जिला शतरंज एसोसिएशन अध्यक्ष मनजीत सिंह ने इस तरह के कार्यक्रम को सराहा है। लखीमपुर के मितौली ब्लॉक क्षेत्र के सरायन तट स्थित बाबा जंगलीनाथ मंदिर पर कलश यात्रा के साथ रुद्र महायज्ञ और संत सम्मेलन का शुभारंभ किया गया यह आयोजन यज्ञाचार ज्ञानेश पांडे के निर्देशन में किया जा रहा है इस दौरान सत्य प्रकाश मिश्रा राजेंद्र दीक्षित शैलेश दीक्षित राकेश अवस्थी लोकनाथ मिश्रा हरिशंकर मिश्रा ग्राम प्रधान पद्म प्रकाश मिश्रा अवधेश मिश्रा संजय वाजपेयी रामकृष्ण शुक्ला और देवी चरण मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे यह कार्यक्रम सत्रह मई से तेईस मई तक चलेगा अब खबरें प्रदेश से यूपी के सरकारी इंटर कॉलेजों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए रिटायर्ड शिक्षकों को तैनात किया जाएगा वैसे तो इसकी प्रक्रिया लंबे समय से जारी है लेकिन अब कहा जा रहा है कि आचार संहिता खत्म होते ही इन शिक्षकों की तैनाती शुरू हो जाएगी जहां शिक्षक कम होंगे वहाँ पर तैनाती को प्राथमिकता दी जाएगी माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव के मुताबिक विभाग जल्द ही इसकी प्रक्रिया शुरू करेगा सीतापुर की बात करें तो यहाँ पर साठ फीसदी से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं जिले में छब्बीस सरकारी इंटर कॉलेज हैं और छत्तीस सरकारी हाई स्कूल हैं यूपी में पांचवें चरण की चौदह लोकसभा सीटों पर मचा चुनावी शोर शनिवार शाम को थम गया इन चौदह सीटों पर कुल 144 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं इनमें कई दिग्गज भी जनता की अदालत में हैं इनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कांग्रेस नेता राहुल गांधी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और साध्वी निरंजन ज्योति के नाम भी शामिल हैं वहीं केसरगंज में सात बार से लगातार सांसद ब्रजभूषण सरण सिंह को टिकट न देकर उनके बेटे करण भूषण सिंह को प्रत्याशी बनाया है लिहाजा यहां भी सियासी अखाड़े के पहलवान ब्रजभूषण सर सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर है एक और सीट अयोध्या है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भाजपा इस सीट पर कब्जा बरकरार रखकर पूरे देश को बड़ा संदेश देना चाहती है यहाँ से भाजपा के लल्लू सिंह हैट्रिक चांस पर हैं लेकिन उन्हें सपा प्रत्याशी और नौ बार के विधायक अवधेश प्रसाद से कड़ी टक्कर मिल रही है हर चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए आयोग की ओर से कई तरह की पहल की जाती है अब एक स्कूल ने ऐसी पहल की है जिसकी लोग सराहना कर रहे हैं राजधानी के सेंट जोसेफ़ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने ऐलान किया है कि 20 मई को वोटिंग के दौरान जिन विद्यार्थियों के माता पिता दोनों वोट करेंगे उन विद्यार्थियों को परीक्षा में दस अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे यह फैसला स्कूल की विभिन्न शाखाओं में पढ़ रहे हजारों बच्चों पर लागू होगा विद्यालय प्रबंधन के मुताबिक मतदान के अगले दिन इक्कीस मई को शिक्षक अभिभावक बैठक बुलाई जाएगी और जिन बच्चों के माता पिता उंगली पर लगी स्याही दिखाएंगे उन्हें यह लाभ प्रदान किया जाएगा 27 मुकदमों का सामना कर रहे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में ट्रायल पर रोक लगाने की उनकी याचिका खारिज कर दिया है आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने दिया है गैंगस्टर एक्ट का यह मामला वर्ष 2010 में वाराणसी के चेतगंज थाने में दर्ज हुआ था भारी भरकम पगार पाने वाले बेसिक स्कूलों के गुरुजनों के अलग अलग अंदाज आए दिन सामने आते रहते हैं सरकार यूपी के बेसिक स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना चाहती है तो तमाम गुरुजन ऐसे हैं मानो कसम खा चुके हैं कुछ भी कर लो हम नहीं सुधरेंगे ताज़ा मामला मथुरा जिले का है यहाँ के बी एस निरीक्षण के लिए प्राथमिक विद्यालय पहलादगढ़ी पहुंचे तो वहाँ का नज़ारा देख उनके होश उड़ गए स्कूल में केवल चार बच्चे थे जो खेल रहे थे और सामने चारपाई पर प्रधानाध्यापिका ऋचा नेहरा खर्राटे भर रही थी इसके बाद बी ने जगाया तो चौंकने के बारे शिक्षिका की थी यही नहीं शिक्षा मित्र रश्मि भी स्कूल से न दारद मिली ना खुश बीएसए ने दोनों से तीन दिन में जवाब तलब किया है डीआईओएस यानी जिला विद्यालय निरीक्षक के खिलाफ एस सी एक्ट का केस दर्ज किया गया है मामला आगरा के डीआईओएस दिनेश कुमार का है एक शिक्षक मनोज कुमार ने इसे लेकर केस दर्ज कराया है पुलिस द्वारा आनाकानी करने पर शिक्षक ने न्यायालय की शरण ली थी जहां से आदेश आने के बाद केस दर्ज हुआ डी ने इसे अपने खिलाफ साजिश बताया है हालांकि निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को प्रलोभन देने के सभी तौर तरीकों पर कड़ी पाबंदी लगा रखी है लेकिन प्रत्याशी बाज नहीं आते अब ऐसे ही एक मामले में एक प्रधान प्रतिनिधि को गिरफ्तार किया गया है मामला यूपी की हाई प्रोफाइल सीट अमेठी का है लोकसभा चुनाव में बंटने के लिए आई करीब दो हज़ार और गमछे एक निजी स्कूल में रखे गए थे इसकी जानकारी मिलने पर एफ और पुलिस टीम ने छापा मारकर इस खेप को बरामद कर लिया और मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया या था आज का खबरनामा हमें दीजिए इजाजत नमस्कार